स्कूल में देखो कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सरकारी हॉस्पिटल कितने बढ़िया कर रखे हैं। अब इससे आदमी क्या, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या कर सकता है। ये भाजपा की गलत सोच है, भाजपा दिल्ली में कभी नहीं आएगी। केंद्र में तो भाजपा बिल्कुल बढ़िया काम नहीं करी जा रही, दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का। प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए वो भी, केजरीवाल को। किराया अभी भी दे रहे हैं, पानी जो पहले साफ पीते थे आज गंदा पानी आ रहा है, उस पानी से नहाने लायक लायक पानी नहीं है। हम लोगों के लिए ना धरना लेके बैठना चाहिए, केजरीवाल को ना निकलवाना ही चाहिए जेल में। जेल जाना चाहिए ना योगी को, मोदी को, अमित शाह को। उन्होंने, मोदी ने और योगी ने ना हकीकत में ना यूपी के अंदर ना सब गरीबों का पेट काट। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी का। जब मैं एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में आ गए, इस बार कोई और नहीं, हम कूलियों से सवाल जवाब करेंगे कि उनको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए। हालांकि हम दिल्ली में हैं तो केजरीवाल का मुद्दा और केजरीवाल के मुद्दे पे बात करना तो बनता ही है, तो हम लोगों से ये पूछताछ करेंगे कि केजरीवाल जो आज जेल गए हैं उनसे लोग सहमत हैं या असहमत हैं, केजरीवाल ने कुछ काम किया है या नहीं किया है, या दिल्ली में उनको भाजपा की सरकार चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजाम मैम, निजाम। निजाम, क्या लग रहा है, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस पे आपकी क्या राय है, सही है या गलत है? केजरीवाल को गलत गिरफ्तार किया गया है, गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है। कुछ लोग कहते केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया है, वो अच्छे मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे बढ़िया मुख्यमंत्री है, उससे अच्छा तो कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में आ ही नहीं सकता। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में और दिल्ली जल बोर्ड के मामले में पानी की अच्छी व्यवस्था की उन्होंने। ये तो एक राजनीति है जो उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रेन का पानी देते हैं, गंदा पानी देते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, गलत, गंदा पानी नहीं देते, बढ़िया पानी देते हैं। औरतों को देखो कितने बस में फ्री सुविधा दे रखी है, स्कूल में देखो कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सरकारी हॉस्पिटल कितने बढ़िया कर रखे हैं। अब इससे आदमी क्या, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या कर सकता है। कहते हैं कि यहाँ पे भाजपा की सरकार आनी चाहिए, केजरीवाल ने सब लूट लिया। ये भाजपा की गलत सोच है, भाजपा दिल्ली में कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। क्यों? पूरे ना 10 साल बाद आया, कभी नहीं आएगी सरकार दिल्ली में। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। केजरीवाल तो अब जेल में है, अब कौन चलाएगा? केजरीवाल ही तो जेल में है ना, बाकी तो और भी तो बाहर है अभी। सब बाहर है ना पार्टी। केजरीवाल की पत्नी चला सकती है? पत्नी चलाएगी, और भी मंत्री है वो चलाएंगे, और दूसरा कोई बन जाएगा मुख्यमंत्री। अच्छा, अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में भाजपा कैसा काम कर रही है? केंद्र में तो भाजपा बिल्कुल बढ़िया काम नहीं करी, दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का, गलत दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष की बोली बोल रहे हैं? विपक्ष की बोली नहीं बोल रही, मैं जनता की बोली बोल रहा हूँ। राशन फ्री दे रहे हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के कई सारे योजना है। राशन से कुछ नहीं होता फ्री देने, फ्री शिक्षा के मामले में करो, आप शिक्षा बढ़िया करो। सारी कमाई तो सिलेंडर में ही दे दी गाँव वालों ने। अच्छा, सिलेंडर महंगा है उसको लेके? सिलेंडर नहीं महंगा, बाकी और भी चीजें देखो महंगा है कितना, सिलेंडर क्या होता है। तो देश फिर एक नंबर पे जा भी तो रहा, कहीं नहीं जा रहा है, सब तो बेच दिया, क्या बचा बाकी बताओ। लूट लिया मोदी ने, कहाँ लेके जाएंगे? उनका ना परिवार है ना घर है, पार्टी में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, पार्टी फंड में जाएगा। पार्टी फंड इतनी बड़ी पार्टी है, उनको क्या लेने की जरूरत है? और क्यों, किसी का पेट भरा है पैसे से 7 दिन तक, उनका तो फिर भी पेट ना भर रहा है। केजरीवाल आपको कहीं से गुनहगार दोषी नहीं लगते हैं? नहीं, कहीं से भी नहीं है। जो आरोप, प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए वो भी। किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल को लगता है कि प्रधानमंत्री बनने दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, पढ़ा लिखा है, बन सकता है। अभी एक मामले में जेल में, लगातार उनके सारे जो है। मैं एक बात बताऊँ, बुरा मत मैडम मानिए मैडम, मोदी जी जो कोट पहनते हैं वो 2 करोड़ का पहनते हैं, वो कहाँ से पहनते हैं ये बताइए। किसने बताया 2 करोड़ का? पूरा दुनिया में जानती है, इतना विदेशों घूमते हैं, कोई मंत्री घूमा इतना बताइए। तो नंबर वन पे कर दिया ना, कहाँ कहाँ आप कहाँ पे नंबर वन किए? पहले लोग बोलते हैं, जनता बोलती है, जो भाजपा को समर्थन करती है वो कहते हैं जितना मोदी जी के टाइम में डंका बजा है उतना कभी डंका नहीं बजा। देखिए, फैलाने के लिए ये सब बजा है। 10-10 लाख रुपए आएंगे आपके खाते में, 10 लाख रुपए आए हैं, मोदी जी ने बोला था तो 10 लाख धन वापिस आएगा। आया है कुछ? अडानी जो भागा है पैसा लेके, विजय माल्या आया है वापस? नहीं आया ना, तो क्या होगा? एक बार केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए ना तो सब कुछ कर देगा। कहते हैं पूरे देश में दारू ही बांटेंगे फिर। दारू क्या बांटेंगे, लाइसेंस कौन देता है? जो नहीं भी पीता उसको भी पिलाना सिखा देंगे केजरीवाल। केजरीवाल के समर्थक में? बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई? पीड़ी पानी पीता सिलाई में, जो पानी पैसा देके आज 700 रुपए बिल भर रहा है पानी का, रोज 30 रुपए बोतल खरीदा पड़ता है। आप क्या कहेंगे? सर में बदबूदार पानी आता है नाली की, जैसे बदबूदार पानी आ रहा है। हर इंसान एक इंसान के लिए अच्छा थोड़ी हो सकता है, हर इंसान एक इंसान के लिए अच्छा थोड़ी हो सकता है।
मैम अपनी अपनी है सबकी, हमारे खिलाफ हम तो पानी पहले किराया अभी भी दे रहे हैं, पानी जो पहले साफ पीते थे आज गंदा पानी आ रहा है, उस पानी से नहाने लायक भी लायक पानी नहीं है। ठीक है कि हर जगह ये चीजें दिक्कत आती हैं, जो बड़े बड़े शहरों में ये दिक्कतें आती हैं, आप दूसरे शहर में भी जाएंगे तो पानी की दिक्कतें होती हैं। पानी की दिक्कत होती है, मतलब पहले हम सिलाई टाइम में भी पानी पीते थे ना, आज से 50 साल पहले सिलाई टाइम में पानी आता था, कभी भी पानी में शिकायत नहीं आती थी। सिलेंडर को लेके कह रहे हैं, तो सिलेंडर को लेके सिलेंडर तो कांग्रेस के टाइम में ही 900 रुपए का हो गया हुआ था। सारे तो आती थी कांग्रेस के जमाने में, अब सब्सिडी कितनी आ रही है, तो अभी भी तो सब्सिडी नहीं आ रही, तो काम भी जहाँ का खर्चा हो रहा है पीछे से महंगा हो तो वो तो ऑटोमेटिक सब्सिडी आती थी। कांग्रेस की सरकार में जब 900 रुपए का सिलेंडर था 250 रुपए या 300 रुपए सब्सिडी आती थी, अब कितनी सब्सिडी आ रही बताइए आप? बताइए मैम, जब काम होगा तो रेट तो बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। पहले ही ऑटो मुझे CNG 37 रुपए था 40। भाजपा के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई आपको महंगाई नहीं लगती? काम के हिसाब से बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या काम हुआ है? क्यों आज हर जगह तरक्की, जो हाईवे हर जगह बन रहा है, जो आज हर जगह खुल के चल रहे हैं, हाईवे तो बना है, बहुत अच्छी बात। क्यों नहीं बना फिर, काम नहीं हुआ? इस बार महंगाई तो देख लो, महंगाई कितनी है, बढ़ेगा कोई? क्या केजरीवाल आएगा कांग्रेस महंगाई कम कर देगी, इसे डबल होगी। अब तुम आप देख लो महंगाई के बारे में क्या, ये हाईवे उन्होंने तो बचाई क्या है बताओ, एयरपोर्ट बेच दिया यार, और बताओ सब बेच दिया, पूरी दिल्ली बेच चुकी है। क्या दिल्ली बेच दी? एक मिनट इनसे पूछिए, पहले रेलवे स्टेशन पे मैम, पहले बोलिए रेलवे स्टेशन पे इतनी गंदगी मिलती थी, हर जगह टॉयलेट पड़ा हुआ और कुछ, आज रेलवे से प्राइवेट ठेके पे मिल रही है, दो दो मिनट में झाड़ू लग रही है, दो मिनट सफाई हो रही है, तो किसके लिए? पब्लिक के लिए तो है। देखिए पूरे इसी स्टेशन में देखिए गंदगी फैली हुई है, दिखाइए आप कैमरा को है कितनी सफाई हो रही है। आप ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सराय काले खापी की तरफ खड़े हैं और ये जो कह रहे हैं कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे सफाई है, ये जो कह रहे हैं हमारे भाई साहब कह रहे हैं रेलवे स्टेशन पे सफाई है, पहले गंदगी होती थी अब सफाई है, तो आप यहाँ कैमरा घुमा के दिखाइए कितनी सफाई हो रही है, कितना ट्रैफिक तो चलो मैं मेन करूं तो मैं दिखाता हूं ये काम चल रहा है, सफाई दिखाइए कितनी है। योगी मोदी से बुरा तो आदमी ना है, केजरीवाल ने इतनी सुविधा करी है दिल्ली के अंदर, देखो लेडीजों को किराया फ्री कर दिया, इनको नहीं लग रहा है, ये कह रहे हैं कि बाकी तो सबको लग रहा है, इनको इसलिए नहीं लग रहा। हम भी ऑटो ही चलाते हैं, ये भी ऑटो ही चलाता है भाई, केजरीवाल ने देखो सबसे पहले हमने जीता था अच्छा करके आएगा, मत जो उसने बोला सारा उल्टा हुआ। क्या क्या अच्छा एक सेकंड, क्या सबसे पहले हमने हम तो रैली तक ले गए हुए कुमार सर, हम लिख रहा था कि आपने जिताया है पक्का, हमने वोट दिया पूरा। अच्छा वोट दिया होगा यार, क्या झगड़ा कर रहे हो, वोट दिया होगा? हाँ दिल्ली की है आईडी, दिल्ली की पूरी, केजरीवाल आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या बोला था केजरीवाल ने जो आपको वोट दिया? सुनिए पहले ये बोला था राहुल गांधी सोनिया गांधी सबको जेल करना चाहिए, हम उससे जिंदगी में दोबारा बच्चों का सब आज दिक्कत यहाँ है, दिक्कत यहाँ है कि दिक्कत यहाँ है मतलब, और केजरीवाल से दुख नहीं है, दुख ये है कि राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी जेल में नहीं गए, इस बात की बात नहीं है, जो बोला वही उल्टा किया। हाँ उनको बताइए कोई बात, मेरी बात तो सुन ले भाई, देख केजरीवाल ने दे बस का किराया फ्री कर दिया लेडीजों के लिए, ठीक है? अबे मेरे भाई बच्चे अभी शादी नहीं हुई है तो बच्चे कहाँ से घूमेंगे? सुनो मैं एक मिनट, जितने ऑटो वाले हैं 100% गाड़ी देते हैं कि बस के फ्री, जितने ऑटो वाले कितने खोल दिए बस के ना दिल्ली के अंदर, रैन बसेरे इतने कर दिए उन्होंने बहुत ज्यादा, गरीबों को खाना भी बांटता है वो रैन बसेरों के अंदर बांटता है ना, जगह जगह फ्लाई ओवर बनवा दिए उन्होंने जहाँ जाम लगते हैं, आश्रम में कितना जाम लगता था, अब जाम नहीं है वहाँ पर। जब भी तो केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए दिल्ली के अंदर दोबारा, फिर केजरीवाल ही रहेगा मेरे दोस्त, केजरीवाल जिंदाबाद। अरे हाँ ठीक है, चलो इनकी तो बातें हो गई, भाजपा को समर्थन है या केजरीवाल को समर्थन है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों के लिए ना धरना लेके बैठने चाहिए, केजरीवाल को ना निकलवाना ही चाहिए जेल में से, आप लोग को आज रामलीला मैदान जाना चाहिए, जाना ही चाहिए था, पर हम लेट उठे सो के हम लेट जाते हैं, रात को 3 बजे जाते हैं ना, इस वजह से थक भी जाते हैं, पूरे दिन चिल्लाना पड़ता है। चलिए तो आप केजरीवाल के विरुद्ध आप ऐसा क्या करेंगे, केजरीवाल जो एक वोटर बढ़ जाए? नहीं हम विरोध नहीं है, हमें जो हम अपना नुकसान दे रहे हैं कि पहले हम टोटी के पानी पीते थे आज हम बोतल के पानी पीना पड़ रहा है। ये बताइए कि आपने कहा कि केजरीवाल का वोटर था, पानी टोटी के साफ आता था, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा आप क्या करेंगे केजरीवाल जो फिर से आप उनको वोट डालना शुरू कर दें? हम इतनी लोले तो खैर अपने को नहीं है, राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल में डलवाएंगे तभी? नहीं नहीं, नहीं राहुल गांधी जल के जेल में अब जनता जेल में बढ़नी चाहिए, इसी वजह से तो केजरीवाल अंदर गए कि बीजेपी है, दिल्ली में घुस जाए,
दिल्ली में तो केजरीवाल के वकील कभी दिया ना उठाएगी। इससे पहले बीजेपी दिल्ली में कभी रही नहीं, हमेशा कांग्रेस रहा है और केजरीवाल आया है। बीजेपी नहीं रही, बस 13 दिन के लिए बना भाई। मदन लाल खुराना कितने दिन के लिए भी बने हो मुख्यमंत्री? अगर बीजेपी दिल्ली में आएगी तो वोट भाई तुमसे ज्यादा उम्र है, 43 साल का मैं हो गया, आज से दिल्ली में नहीं हूँ। सबके परिवार है, जेल जाना चाहिए ना, योगी को, मोदी को, अमित शाह को, उनके तो हमें पीछे। ये क्यों, क्या कर दिया भाई तुम्हारा? तुम बाकी सब सब अच्छा, क्या कर दिया ऐसा? अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, क्या कर दिया तुम्हारा? तुम इसको लूट लिया और क्या कर लिया? लूट के कहा, उनको परिवार नहीं है। अरे फिर भी उनका भला ना हो रहा, पेट उनका ऊपर को चल रहा है, फिर भी उनका भला ना हो रहा। मतलब चाहते हो राहुल, उन्होंने मोदी ने और योगी ने ना हकीकत में ना यूपी के अंदर ना सब गरीबों का पेट काट दिया। जो सिलेंडर 600 रुपए का पहले मिला था, जो फ्री बांटा था पहले, तो सब में पहले फ्री बांटा था, फ्री से अब 1200-1300 तक का सिलेंडर हो गया यूपी के अलावा। यूपी में गरीब वहाँ से काम करेगा या अपना सिलेंडर उठागा? बड़े भाई मैडम ये एक सेकंड भैया, क्या मैडम आपका क्या क्वेश्चन था कि क्यों मोदी और केजरीवाल का क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए, हम आपको बताते क्यों बोल रहे थे तो अपन को टोक दिए। ना ना टोके नहीं, हम बोल रहे हैं कि क्यों जाना चाहिए। अच्छा उनसे पूछ लीजिए फिर बाद में। केजरीवाल दिल्ली के अंदर ही बढ़िया है और बढ़िया ही रहेगा। एक बात बताओ, योगी जी इतना अच्छा एक काम, बहुत चीजें बनवा दी अपने। मेरी बात सुनोगे? मेरी बात सुनोगे? चलो केजरीवाल की बात होगी। तुमने बोला योगी जी और मोदी जी को जेल जाना चाहिए, तो यूपी के जो भी लोग होंगे उनको पता है कि योगी सरकार ने यूपी में बहुत अच्छा काम किया, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। तभी तो बोल रहे हैं मशीनों से वो नहीं हुई वोटिंग, मोहर वाली होनी चाहिए ना। कानून व्यवस्था सही है या नहीं वाली होनी चाहिए ना, जब भी पता पड़ जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। योगी जी की कानून व्यवस्था सही है या नहीं? यूपी में बहुत बढ़िया, बढ़िया है भाई। तभी तो हम बता रहे हैं वोट जो है ना। कहाँ के हो? यहाँ के हैं, यूपी के। तो योगी जी अच्छे नहीं लगते? नहीं। अरे अच्छा कर रहे हैं। बोले जब वो अपनी मशीनों से वोट डलवाते हैं, जब महिलाएं से डलवाए ना, जो मोहर से होता है वोट, वो डलवाए ना, बैलेट पेपर, हाँ उससे करवाए ना, ईवीएम हटा देना, हाँ इसलिए तभी पता पड़ जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, इसलिए जरूरी है इस गैंग को, अडानी अंबानी गैंग को जेल जाना जरूरी, इसलिए अडानी नहीं अडानी, हाँ अडानी और अंबानी गैंग को इसलिए जेल जाना जरूरी है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग कैसी, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, यहाँ तो हर आदमी को रहना रहने का अधिकार है ना, क्या पूरा मुसलमान को भगाया जा सकता है इस देश से? किसने कहा ये बात? नहीं तो यही हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, किस बात की सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, पहले भी सब साथ में रहे और साथ में रहेंगे। तो आप लोग तय कीजिए कि केजरीवाल, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की, अभी हम लोग निजामुद्दीन जो है रेलवे स्टेशन के पास थे, तो यहाँ पे लोगों से बात की, कुछ लोग भाजपा के समर्थक है, कुछ लोग केजरीवाल के समर्थक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सीएम, सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करना सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।